पंजाब के जिला जलंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में आज बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन करने के लिए मुख्य तौर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले यहां पर पूजा की और उसके बाद ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस दौरान हॉकी के शॉट खेलते हुए भी अनुराग ठाकुर नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत में खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। मित्रों, लंबे समय तक देखा जाए तो हमारी फौज का जहां एक और सुरक्षा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं पर खेलों के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान हमारे फौजी भाइयों ने किया है, चाहे मैं सेना की अर्धसेना की बात करूं, और इसके एग्जाम्पल्स कई आपके सामने आज जरूर रखना चाहूंगा। आपने नायब सूबेदार मिल्खा सिंह जी का नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने भी 1958 और 1962 की जो एशियन गेम्स हैं वहां पर जहां एक और मेडल, गोल्ड मेडल भारत के लिए जीतकर पूरे देश का दिल जीता, वहीं पर नायब सूबेदार शिवनाथ सिंह जी, ये हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग मैन का एक बहुत बड़ा योगदान है। 1974 के तेहरान के जो हमारे एशियन गेम्स हुए वहां पर गोल्ड मेडल 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने जीता था और एक नया एशियन रिकॉर्ड बनाया था। सूबेदार पान सिंह तोमर, फिल्म भी आपने देखी होगी और इनका काम भी देखा होगा, ये 7 बार के हमारे राष्ट्रीय विजेता है नेशनल स्टीपल चेस में। और यही नहीं, आज भी अनेकों खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार भारत के लिए मेडल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत रहे हैं। शिवा थापा हमारे ASI है जो पुणे में है, चैंपियन बॉक्सर है और यंगेस्ट इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। सूबेदार मेजर विजय कुमार जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता और ये 25 मीटर की जो रैपिड फायर पिस्टल इवेंट है 2012 के समर ओलंपिक्स में, और ये कहीं और से नहीं, मेरे अपने जिला हमीरपुर से ही आते हैं। इसी तरह से ही नायब सूबेदार जीतू राय, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में। हमारे कर्नल राज्यवर्धन राठौर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था डबल ट्रैप इवेंट में 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में। और अभी हाल ही में नायब सूबेदार हमारे अविनाश साबले, जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 3000 मीटर के स्टीपल चेस में और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में जाकर किया। तो अंत में मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, उन्होंने भारत की 121 साल की इंतजार को खत्म किया, वो कोई और नहीं सूबेदार नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जैवलिन में गोल्ड मेडल भारत को जिताने का काम किया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।